हाँ जी, तो कैसे अपने अंदर निखार लाएं हर हवाले से, आज हम वो डिस्कस करेंगे। आप लोगों से पहले, अगर मैं शमीन आपसे और अरुबा आप लोगों से पूछती हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल घर में कोई करीबी या कुछ ऐसी शादी आ रही होती है, तो उसकी एक्साइटमेंट की वजह से आप अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं, कपड़ों की, जेवर और मेकअप की अलग, लेकिन स्किन बाल के लिए अलग, तो आप मुझे बताएं। मैं कपड़ों और, क्योंकि देखिए मेरी एक डिज़ाइनर फ्रेंड है, तो हाँ। कपड़े मेरे हमेशा सॉर्टेड होते हैं okay. क्योंकि हर वक्त वो नई कलेक्शन बना रही होती है, तो मुझे सिर्फ उसको फोन करके कहना होता है ये वाला ड्रेस और वो वाला ड्रेस, तो वो तो उसकी टेंशन गई। आप बिल्कुल, ज्वेलरी हर दफा नए बनाने के पास किसी के पास पैसे नहीं होते, स्पेशली मेरे पास तो नहीं, तो जो बनी हुई है बनी हुई है, थोड़ा बहुत एडिशन हो गया। मेरी जो बेसिक, जो सबसे फर्स्ट चीज होती है तैयारी, वो होती है मेरी वेट मैनेजमेंट। जो मेरा वजन अगर 1-2 किलो बढ़ा हुआ है, तो सबसे पहले मैं अपने आप को, क्योंकि मैं पहले ये करती थी कि ओ शादी से 1 महीने पहले मैं क्रैश डाइटिंग करूंगी और मैं उतार दूंगी, बट देन 1-2 दफा मैंने ये रियलाइज किया कि नहीं हो पाता। हाँ। 1 महीने में नहीं हो पाता, और कभी कभार अगर आपका वेइंग मशीन पे वेट गिर भी जाए तो आपका इंचेस में नहीं गिरता। हाँ। क्योंकि आपको अपनी बॉडी को इतना टाइम देना होता है कि वेट गिराने के बाद उसको वो मेंटेन करे, ताकि फिर वो इंचेस गिरे। एग्जैक्ट। तो अब क्योंकि मेरी इंशाल्लाह दिसंबर में साफ खैरियत के भांजी की शादी है, और हम लोग काफी अरसे से तैयारियों में लगे हुए, तो मैंने जून से अपनी वेट मैनेजमेंट वाली जो डाइट थी, डाइट के साथ कुछ तो, और खा पी रही हूँ नहीं, डाइट कावा, कावा, नहीं, इस तरह की मैं चीज नहीं कर रही। मैं कार्ब्स अपने बिल्कुल खत्म कर देती हूँ, तो रोटी चावल चीनी, ये तीन चीजें मेरी डाइट से एलिमिनेट हो जाती हैं। लेकिन मैं बिल्कुल वो वाली नहीं कर रही जैसे कीटो लोग करते हैं, क्योंकि कीटो में फिर आप फ्रूट्स भी नहीं खा सकते। अगर आप, आई फील कि अगर थोड़ा बहुत फ्रूट खाते रहे तो स्किन फ्रेश रहती है, तो मैंने कीटो नहीं की है, मैंने लो कार्ब किया है, लेकिन मैं रोटी चावल और चीनी, जो आर्टिफिशियल शुगर है वो कर रही हूँ अवॉइड, और एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा। और स्किन के लिए क्या कर रही है? स्किन के लिए आई ऑनेस्टली फील कि मुझे सबसे ज़्यादा जो फ़र्क पड़ता है वो एक्सरसाइज से ही पड़ता है। तो दिन का अगर मैं 1 घंटा निकाल लूँ अपने लिए, जिसमें मैं 40-45 मिनट्स कार्डियो कर लूँ, बाकी बॉडी टोनिंग कर लूँ, उससे मेरी स्किन, मुझे वैसे ही फील होता है कि एक नेचुरल ग्लो आता है मेरी स्किन, अच्छी हो रही है।